हाय फ्रेंड, मैं अंकित अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये यूनिवर्सल कंपनी का इम्प्लीमेंट है, रोटरी टिलर, जैसे खेत जुताई होता है। इसका जो है क्राउन का वायरिंग टूट गया है, ये तेल शाफ्ट का, इसीलिए ये काम नहीं कर रहा था और ब्लेड वाला शाफ्ट नहीं घूम रहा था। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। आगे वाले भी प्लेट को खोल लेते हैं पहले, इसके बाद वायरिंग को निकालते हैं, फिर दिखाते हैं आप लोगों को। मैंने वायरिंग का कन को निकाल लिया है, ये कन भी इस प्रकार से ब्रेक डाउन हो चुका है, ये ब्रोकन हो चुका है, टूट चुका है। ये 32207 का वायरिंग है और ये शाफ्ट में भी ये वायरिंग का कन डेड हो चुका है। ये मैंने न्यू वाला वायरिंग मंगा लिया है 32207 का, इसमें हम फिट करने वाले हैं। ये इसका वायरिंग है, ये इसका कन है, कन को हाउजिंग में फिट करेंगे, ये वायरिंग को शाफ्ट में डालेंगे। ये थोड़ा सा ग्रीसिंग कर लिए हैं, मैंने कन को हाउजिंग में डाल दिया है। ये बाहर वाला कन है, मैंने कन को प्रेस करके अंदर डाल दिया है। इसके बाद वायरिंग डालेंगे, ये वायरिंग इस टाइप से लगेगा। मैंने वायरिंग भी डाल दिया है, अब इसका शाफ्ट डालेंगे, तेल पिनियन वाला शाफ्ट। ये शाफ्ट डालने के बाद इसका तेल पिनियन डालेंगे, ये इसका तेल पिनियन है छोटा वाला। दोनों साइड से थोड़ा शाफ्ट को उठाना पड़ता है, मैंने डाल दिया इसको। ये दोनों कंप्लीट हो चुका है, ये तेल पिनियन पे वायरिंग को हम प्रेस कर रहे हैं। इसके बाद वायरिंग का कन को फिक्स करेंगे, इसके बाद प्लेट लगाएंगे सिलिकॉन ट्यूब डाल के। जो कि अब मैं कन डाल रहा हूँ, ये इसका कन है, वायरिंग का कन। इसको हैमरिंग करके अपनी जगह पे इसको बिठा देते हैं। ये फिक्स हो चुका है, अब इसका प्लेट डालेंगे इसमें और 17 नंबर का 4 बोल्ट लगता है, बोल्ट को भी फिक्स करेंगे। ये इसका प्लेट है, जो कि पतला वाला भाग है, शाफ्ट के साइड रहेगा, जिसमें पीटीओ शाफ्ट लगता है। इसको थोड़ा हैमरिंग करके अपनी जगह पर बिठा देंगे और प्ले चेक कर लेंगे, प्ले रहेगा तो सिम पत्ती डालेंगे, लेकिन प्ले नहीं है इसमें। इसके बाद आप 17 नंबर का 4 बोल्ट लगा के फिक्स करेंगे। और ये इसका ये शाफ्ट का मेन शाफ्ट का ये प्लेट है, जिसमें सील भी लगा है, सील अच्छी कंडीशन में है। इसमें भी 4 बोल्ट लगता है, मैंने सिलिकॉन ट्यूब लगा के लगा दिया है। और 17 नंबर का 4 बोल्ट लगता है, ये चारों बोल्टों को टाइट करते हैं, ये फिक्स हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें। हम 2 बोल्ट को लगा दिए हैं, 4 बोल्टों को फिक्स करने के बाद इस शाफ्ट में एक लॉक लगता है, पहले आउटर लॉक है ये। आउटर लॉक लगाने के बाद इसमें पिनियन डालेंगे, ये तेल शाफ्ट में जो पिनियन लगता है 19 तीत का रहता है, 19 दांतों का,
और मेन शाफ्ट में जो पिनियन लगता है 17 दांतों का रहता है, 17 तीत का। ये हम लगा दिए हैं और दोनों पे बाहर से भी लॉक लगाएंगे, अंदर से भी लॉक है, बाहर से भी लॉक है। ये आउटर लॉक को भी हम लगा देते हैं। ये लगाने के बाद इसका बाहर वाला प्लेट लगाएंगे। सिलिकॉन ट्यूब लगाने के बाद इसमें फिर 140 नंबर का सीवाइल डालेंगे, गेज बराबर सीवाइल डाल देंगे, ये फिक्स हो जाएगा। इसमें पहले सीवाइल भी नहीं था, इसलिए इसका वायरिंग टूट गया, ओवरहीट होने के कारण ये सूखा जो चला, इसलिए इसका वायरिंग चला गया। ये इसका प्लेट है, ये सिलिकॉन ट्यूब लगाने के बाद इसको फिक्स करेंगे। इसमें भी 417 नंबर का बोल्ट लगता है। ये कंप्लीट हो चुका है। ये चारों बोल्ट टाइट करने के बाद इसमें सीवाइल डालेंगे, गियर वायर 140 नंबर का लगता है इसमें। ये कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग मेरी चैनल पर पहली बार आए तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन हो मिलता रहेगा आप लोगों को। थैंक यू।